हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रोहू मछली का, जो क्लास फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल बुक से आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए या फिर आप एग्ज़ाम भी देते हैं उसमें यह फिगर आ सकता है। इसका कमेंट लिखने के लिए बोलेगा, तो आप इससे घबराइएगा मत। अगर आपके पास बुक भी नहीं हो तो कोई बात नहीं है, इस फिगर को देखकर क्या बना सकते हैं और इसका कमेंट भी लिख सकते हैं। चलिए देखता है, दिखाते इसका कमेंट। और उससे पहले ज़रूरी यह है कि इसका जो नाम होता है, इसका नाम है रोहू मछली और बगल में डैश करके दिया है लेबियो रोहिता। लेबियो रोहिता का मतलब यह होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है लेबियो रोहिता, क्योंकि जो साइंटिफिक नाम होता है वो पूरे दुनिया में इसी के नाम से बुलाया जाएगा। क्योंकि हमारे इंडिया में इसे कोई रोहू मछली कहेगा और अन्य देश में कोई किसी और नाम से कहेगा, इसीलिए एक साइंटिफिक नाम दिया गया है लेबियो रोहिता, ताकि पूरे वर्ल्ड में इसको इसी नाम से ही बुलाया जाए। चलिए शुरू करते हैं इसका कमेंट। कमेंट नंबर फर्स्ट है, 30 से 90 सेंटीमीटर लंबा शरीर, पार्श्व में कुछ चपटा, धारा रेखित तथा पृष्ठ एवं पार्श्व सतह पर काला सा परंतु अधर तल पर सफेद सा होता है। दूसरा है, शरीर पर छोटी चपटी एवं वृत्ताकार सी चमकीली साइक्लोएड सल्कों का आवरण होता है, यह इसकी विशेष पहचान होती है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, साइक्लोएड सल्क जो गोल गोल टाइप का है, इसकी विशेष पहचान होती है रोहू मछली की। तीसरा जो कमेंट है इसका, सिर चपटा सा होता है, इस पर बड़ी पलक रहित पार्श्व आँखें होती हैं, आँखों के आगे बाह्य नासा छिद्र तथा पीछे क्लोम ढापन होता है। सिर के छोर पर अधरतलीय मुख द्वार तथा दो जोड़ी काले संवेदी प्रवर्ध अर्थात बॉर्बल्स जबड़े दंत विहीन होती हैं। ग्रसनी में दांतों की तीन पंक्तियां होती हैं। तैरने के लिए एक 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 मध्य पृष्ठ मध्य आधार तथा पुच्छ पखने और जोड़ीदार अंश या श्रोणी पखने हो। पुच्छ हीमो सर्कल अर्थात पुच्छ पखना दो समान पिंडों में बटा सा होता है और इसमें केशों की दंड फैली नहीं होती है। इसका अंतः कंकाल मुख्यतः अस्थि इनकी बोनी का बना होता है, नर में मैथुन अंग नहीं होते हैं, मादाएं अंडे देने वाली होती हैं अर्थात अंडज होती हैं। इसका कमेंट एक बार देख लेके लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।